सब कोई तैयार हो जाओ, पूरे दो साल बाद अपने भाई लफंगा आ रहा है। लफंगा, उनका स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लफंगा भाई, लफंगा भाई, आराम से बैठ जाओ। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अब होगा नहीं कभी दंगा, क्योंकि आ गया अपना भाई लफंगा। आइए भाई, आइए भाई, आइए आइए भाई, आइए आइए आइए। लफंगा भाई, हाँ, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास इतना सारा पैसा है, लेकिन आप टोटोस क्यों आए हैं? अबे तेरा भाई बहुत फेमस हो गया है, सबको खिंचाता है मेरे साथ फोटो और हम चलाते हैं टोटो। लेकिन भाई जब से मिले तब से आपके साथ कोई फोटो नहीं खिंचा रहा है। देख क्या रहा है, फोटो खिंचा। तुम लोग क्या देख रहे हैं, तुम लोग फोटो खिंचा वन बाय वन। देखा, सबको खिंचाता है फोटो और हम चलाते हैं टोटो। हाँ हाँ, देखे देखे। आइए भाई, आइए 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 भाई, आइए आइए। भाई के लिए कुर्सी ला। आइए भाई, आइए आइए। ए भाई के लिए चिकन मटन लेके आ। चिकन मटन? अबे हम तेल मसाला और सामान नहीं खाते। काहे भाई? काहे के भाई का एक किडनी फेल है। कितने नंबर से? साला भाई के साथ मजाक करता है। लफंगा भाई का मजाक पसंद नहीं है। सॉरी भाई। तो बताइए भाई क्या खाइएगा? रात में सोते हैं बीवी के साथ, हम खाते हैं पानी भात। पानी भात? हाँ, जा मेरे लिए पानी भात लेके आ। ठीक है भाई। ए, जा भाई के लिए पानी भात लेके आ। हेलो भाई, पानी और भात? भात तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ भाई, आपके जाने के बाद हम लोग बहुत गरीब हो गए। हम लोग पानी पी के काम चला रहे हैं। लेकिन तुम लोग गरीब हुआ कैसे? क्या बताएं भाई, आपके जाने के बाद कुछ गुंडे आए और हम लोग को बहुत मारा। और सब कुछ लूट के चला गया। और आपका सोने का बक्सा भी लेके चला गया। सोने का बक्सा? लेकिन हम तो बेड पे सोते हैं। अरे भाई वो सोना नहीं, आपका गोल्ड वाला बक्सा लेके चला गया। गोल्ड वाला बक्सा? हाँ भाई, उसमें तो मेरा माल है। माल? अरे वो माल नहीं, माल मतलब रोकड़ा। रोकड़ा? उसमें मेरा 200 करोड़ है। 200 करोड़? हाँ। बता किसने चोरी किया मेरा सोने का बक्सा? मुझे नहीं पता भाई। मुझे पता है भाई। बताओ किसने चोरी किया? छत्तीस गैंग वालों ने चोरी किया। छत्तीस गैंग? नहीं भाई, गैंग एक ही है, सिर्फ उसका नाम है छत्तीस गैंग। अबे वो छत्तीस गैंग का हो या 35 गैंग का हो, हम किसी से नहीं डरते हैं। लफंगा भाई का बक्सा चोरी किया है, साला छोड़ेंगे नहीं उसको। भाई पुलिस, पुलिस भाई, अब क्या करें? टेंशन मत लो, मेरे पास एक दिमाग है। कहाँ भी नहीं। क्यों? मैं किस किस को? ये बक्सा में क्या है रे? लाश है सर। लाश है? लाश है तो बक्सा में क्यों ले जा रहा है? सर इसका आखिरी इच्छा था कि जब मैं मरूंगा तो मुझे बक्सा में लेके जाना। बक्सा में? सर हमको तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार बक्सा चेक कीजिए। सही बोला, चलो बक्सा को नीचे उतारो, हमको चेक करना है। नहीं नहीं सर, बक्सा मत चेक कीजिए सर, इसमें खाली लाश है, पैसों से नहीं है सर। इस साला पैसों से बात कहां से आ गया रे? साला हमको जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है। रे बक्सा नीचे करो, हमको अभी चेक करना है। नीचे कर। साला इसमें तो खाली पैसा है, लाश कहाँ है? लाश तो जला दी है। और ये पैसा? पैसा को भी जलाने जा रहे हैं। लेकिन पैसा को क्यों जलाने जा रहा है? लाश का एक और आखिरी इच्छा था। क्या? जब हम मरेंगे तो मेरा सास और मेरा धन संपत्ति सब साथ में जला देना। ये उसका धन संपत्ति है, हम इसको जलाने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा बात है? हाँ इसने बात है। ठीक है जाओ जाओ, चलो चलो बंकर, उठाओ 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 उठाओ। साला पहला ऐसा आदमी जिसका दो दो को आखिरी इच्छा था। चलो ए रुक रुक रुक, क्या हुआ सर? ये बक्सा हमको सोने का लग रहा है। हाँ सर सोने का ही है, लाश इसी में सोता था। अबे वो सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड का लग रहा है। हाँ सर गोल्ड का ही है, ये भी उसी की संपत्ति है, इसको भी जलाने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा बात है? हाँ सर इसने बात है। ठीक है जाओ जाओ, चलो ना चलो ना चलो।
सर लगता है आपको ये बुढ़वक बना के चला गया। हमको बुढ़वक कैसे बनाया करे, हम तो पहले से बुढ़वक है। मतलब इधर देखो इंस्पेक्टर बुढ़वक सिंह। ठीक है तो चलो बुढ़वक इज्जत से। हाँ तो चलिए बुढ़वक सर चलो। भाई उधर देखो, सुन बे चुपचाप से वो सोने का बक्सा हमको दे दो, वो बक्सा मेरा है। नहीं देंगे तो क्या कर लेगा बे? अच्छा रे उसको बताओ कि हम कौन है। अभी बताते भाई, शादी के बाद हो जाता है बुतरू और साला। तू चुप कर, हम बोलेंगे। हमसे लेना नहीं पंगा, पुणे सिंगारपुर का लफंगा। भाई ये बहुत खतरनाक आदमी है, जहाँ से हमने बक्सा चोरी किया वहाँ का ये मेन आदमी है। अबे मेन हो या वो मेन हो, हम किसी से डरते हैं। अब ये बक्सा अपना भाई का है। कौन है तेरा भाई? बता रहे कौन है अपना भाई? रखते बेलना और चकला। उधर देख आ रहा अपना भाई टकला। अरे साला ये तो वही टकला है, साला इसका तो थोड़ा सा बाल आ गया है। क्या रहा टकला, उस दिन मारे थे भूल गया? बहुत अच्छा से याद है, उसी दिन का तो हिसाब किताब बराबर करना है। अच्छा तो हमको भी कॉपी कलम बराबर करना है। टुकुर टुकुर क्या देख रहा है, जाओ मार के हिसाब किताब बराबर करो। ठीक है टकला भाई चलो रे। रुको इन लोग को अभी कॉपी कलम बराबर करके आते हैं। ये ड्रेस देख के क्या लग रहा है, पुलिस लग रहा है? हाँ तो पुलिस ही है इंस्पेक्टर बुढ़वक सिंह। हाँ तो हम कब बोले तू होशियार है? साला पुलिस से जमा लगाता है, हमको सब पता चल गया ये बक्सा किसका है। सब मुझे लेके चलो। अरे ओ इंस्पेक्टर बुढ़वक सिंह, शायद तुम हमको सही से जानता नहीं है, हम पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सर ये सही बोल रहा है, साला बड़ी खतरनाक आदमी है, पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, साला खाली पैसा पैसा करते रहता है, पैसा के लिए लड़ता रहता है। पैसा को खाएगा क्या? हाँ खाएंगे, क्या करेगा बे? साला जेल में बताएंगे कि हम क्या कर लेंगे। रे सबको जेल लेके चलो। ठीक है सर। पंगा भाई हम लोग 3 दिन से कुछ नहीं खाए यार, ऐसे तुम लोग भूखे मर जाएंगे, कुछ खाने के लिए मांगो। ठीक है अभी मांगते हैं। अरे बुढ़वा सर, सर हम लोग 3 दिन से कुछ नहीं खाए सर, कुछ खाने के लिए दीजिए नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अच्छा खाना चाहिए? हाँ वही तो बोल रहे हवलदार, इन लोगों को खाना दो। यस सर। ये लो। अरे बुढ़वा सर ये क्या है? बोला था ना पैसा को खाएंगे, अब खा पैसा को। सच में लाइक करे कमेंट करे चैनल को सब्सक्राइब करे, अच्छा लगे तो वीडियो शेयर भी कर देना आप लोग।